नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चीन के यूनान प्रांत के यांबी ही ऑटोनॉमस काउंटी में आए सिलसिले वार भूकंप में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के अनुसार शाम 9 बजे से रात 11 बजे बीजिंग समय तक 5.0 तीव्रता के 4 भूकंप ने यांबी को हिला दिया। क्षेत्र में दोपहर 2 बजे तक 166 झटके दर्ज किए गए हैं। राहत बलों को भूकंप क्षेत्र में भेज दिया गया है और बचाव कार्य जारी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि उत्तर पश्चिम चीनी के किंगही प्रांत में शनिवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूकंप प्रांत के गोलोक तिब्बती स्वायत्त प्रांत के माडुआ काउंटी में तड़के 2 बजे आया चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र CNC के अनुसार शनिवार बीजिंग समय प्रांतीय राजधानी जिनिंग में निवासियों द्वारा जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, जो मडुआ की काउंटी सीट से 385 किलोमीटर दूर है। ऊपरी केंद्र के निगरानी 34.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 98.34 डिग्री पूर्व देशांतर पर की गई है। भूकंप 17 किलोमीटर की गहराई में आया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक बिजली और संचार नेटवर्क के सामान्य संचालन से किसी के हताहत होने और घर निकलने की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राजमार्ग खंड और पुल ढह गए, जिससे वाहन आगमय हो गए हैं। भूकंप क्षेत्र में अच्छी तरह से सुसज्जित बचाव बलों को भेजा गया। 4,200 मीटर की औसत ऊंचाई पर मडुआ काउंटी पीली नदी के स्रोत क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदियों और झीलों के साथ स्थित है। पिछले 5 वर्षों में भूकंप केंद्र के 200 किलोमीटर के भीतर 3 या उससे अधिक तीव्रता के लगभग 25 भूकंप आए, जिनमें से सबसे बड़ा शनिवार को आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।